कार्यक्रम और उसके विचार का सार और अपनी टिप्पणी से हम अवगत माननीय श्री दत्तात्रेय जी, डॉक्टर राजू, राकेश सिन्हा साहब, प्रोफेसर साहब, मैं सबसे पहले अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने एक सैनिक को एक ऐसे देश के बारे में कहने के लिए कहा है जहां सेना जिसकी करता धरता बन चुकी है। शुरुआत से हम फौज में बोलते हैं, सेना में कहा जाता है जब कोई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, द स्टेटमेंट हैज बीन रेड आउट टू द एक्यूज्ड इन अ लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड्स। ये जो स्टेटमेंट है ये उसको पढ़ के सुना दी गई है उस भाषा में जिस भाषा को वो समझता है। और जैसा कि सारे वक्ताओं ने यहाँ अच्छी तरह से साफ कर दिया, पाकिस्तान फौजी भाषा ही समझता है। तो डॉक्टर साहब राजेंद्र प्रसाद जी ने मेरे को बहुत ये सुअवसर, खास कर उन्होंने फौजी चुना, और मैं चाहूंगा कि फौजी परंपरा के अंतर्गत मैं आप सबके सामने कुछ कटु सत्य, कड़वे सत्य कह सकूं, बेधड़क एंड एब्सोल्युटली लाइक अ सोल्जर। क्योंकि ये हमें सेना में पहली शिक्षा दी जाती है कि जब दुश्मन की बातचीत हो रही है तो कहानियां नहीं होती, जो सत्य है, जो कटु सत्य है उसका सामना। अच्छा है कि हम यहाँ करते हैं, तो लड़ाई के मैदान में उल्टी सोच के साथ सामना मुश्किल पड़ जाता है। मैं इनसे अच्छी तरह अवगत हूँ, पाकिस्तानी फौजियों से मुझे कई बार स्वर्ण अवसर मिला है इतने गोलियां चलाने का, गोले चलाने का, और मैं बिना झिझक कह सकता हूँ कि अगर मुझे फिर कभी मौका मिल गया तो मैं बिल्कुल चूकूंगा नहीं। आजकल केवल टेलीविजन पे जो हमारा बुखार मित्र है वही मशीन गन का काम कर सकता है, और उसको भी हम पर्याप्त कोशिश करते हैं कि इन्हें बेधड़क और खूब उस भाषा में बातचीत की जाए जिसे ये समझते हैं। सभ्य भाषा ये नहीं समझते, ये मैं 37 साल के तजुर्बे में आपको बता सकता हूँ। लाइन ऑफ कंट्रोल में जब एक पलटन जाती है तो उसको पहली नसीहत दी जाती है कि देखो यार, इनको सर पे मत चढ़ने देना, तुम्हारा यहाँ 2.5-3 साल जीना दूभर हो जाए। पहले दिन सर से ऐसा उतारो कि तीसरी बार तुम्हारी पलटन को हाथ न लगाए। जो पलटन ऐसा करती है वो सुख पाती, जो नहीं करती वो परेशान होके लाशें गिरा के ही घायल करवा के मरवा के और बुरा नाम दबा गया। ये सत्य पूरी सेना का देखिए, पाकिस्तान कहा जाता है, बड़ा करेक्टली पॉइंट आउट किया गया कि हमारी पाकिस्तान की ऑब्सेशन क्यों है। हम इतने बड़े देश हैं, हम दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति है, तो हम पाकिस्तान जैसे छोटे देश से ऑब्सेशन क्यों। सेना का कटु सत्य इसलिए कि इस देश 4 बार हम पे फौजी हमला किया, 1947, 1948 कश्मीर बाई फोर्स हथियाने के 2/3 हिस्सा हमने वापस ले लिया। हमारे उस वक्त के कमांडर जनरल करियप्पा वो हैदराबाद का ऑपरेशन करके वहां की सारी फौजें हटाकर कश्मीर ला रहे थे ताकि जो बचा खुचा रह गया है वो भी काम तमाम कर लिया है। उस वक्त हमारे हाथ पैर बांधे गए, एक नया वकील राज की आज आई के साथ ये वकालत से फैसला हो, ये यूएन में फैसला होगा, वो नहीं वकालत। और वकील राज जो कांग्रेस का था उसने वहां वकालत करना ज्यादा अच्छा समझा, और उस वकालत को हम आज तक भुगत रहे। वो 2/3 हिस्सा हमने ले लिया था, 1/3 हमको लेना था। जो आपने अपनी बल के हाथ में बात की 1965 पाकिस्तान का स्ट्रेट आउट हमला जब वो कश्मीर छीनने, और मैं दाद देता हूं उस प्रधानमंत्री जिसने आज तक तमाम प्रधानमंत्रियों में सबसे अहम फैसला दिया, बॉर्डर पार करो, क्रॉस द बॉर्डर एंड गिव इट बैक। पाकिस्तान ने पहले हमला ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया, जब वो फेल हो गया उसने ऑपरेशन
रैट्स ने छत पे लॉन्च किया, उसके टैंक अखनूर के पुल के पास तक आ चुके थे। हमारी फौज उस वक्त बड़ी ग्रिप बैटल लड़ रही थी। हमारे आर्मी चीफ सीधे पहुंचे, साहब इस वक्त एयर सपोर्ट चाहिए। अर्जन सिंह ने उसी दिन पहले दिन को 24 जहाज लगा। उस वक्त हमारे पास जहाज थे पुराने फ्रेंच ओरेगा फाइटर वैम्पायर, वहां पाकिस्तानी सेवर तीन, तो हमारे उस दिन से वहां पे जहाज। लेकिन उसके बाद जनरल चौधरी थे, उन्होंने साफ नसीहत दी, सैनिक नसीहत कि सर ये लड़ाई इस तरफ नहीं हो सकती, वी शुड बी अलाउड टू हिट बैक। लाहौर और सियालकोट पे हमला हुआ, जो पाकिस्तानी फौजें बढ़ रही थी बड़ी शोर शौकत से छत की तरफ पलट मार, वो सीधा दो पलट के वापस आई और उनको लाहौर और सियालकोट के डिफेंस के लिए लड़ना पड़ा। वो कश्मीर की कहानी वही की वही खत्म हुई। 1971 की बात पाकिस्तानी तो नहीं करे, क्योंकि उस लड़ाई 1000 वर्षों के इतिहास के पश्चात पहली बार दक्षिण एशिया में एक निर्णायक जीत और पाकिस्तान के दो टुकड़े कर। उस वक्त हमको करना चाहिए था कि कश्मीर का मसला हमेशा हमेशा के लिए सुलझा दिया जाए, लेकिन हमारे देश में कई चीजें बारंबार पैटर्न रिपीट कर, इतिहास कभी पढ़ना अनिवार्य। जब भी पाकिस्तान में हमने पाकिस्तान के ऊपर हावी हुए हैं, यहाँ एक दया का भाव जिसको मैं हिंदू भाव बोलता हूँ, 17 बार हमला किया आपके ऊपर मोहम्मद गोरी ने, और जब वो 17 बार हराया गया, जब वो वापस जा रहा था तो बोला साहब खत्म कर दे, अरे राष्ट्रपति शान के खिलाफ साहब, जब वो 18वीं बार आया तो उसने राष्ट्रपति शान खत्म कर दी आपकी छल कपट से, और पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल के यतना देने के मारा, उससे अच्छा होगा कि पृथ्वीराज चौहान लड़ाई के मैदान में शहीद हो गए। देखिए इसमें जिद है, ये जो दुश्मन है इसकी जिद है, कितनी बार भी हराओगे वो वापस आएगा, ये याद रखिए। उदारता के भाव में मत आइए कभी आप, और उदारता लड़ाई के मैदान में सबसे खराब चीज है। काइंडनेस इन द फील्ड ऑफ बैटल इज द मोस्ट मिसप्लेस्ड इमोशन। रूथलेसली अपने दुश्मन को खत्म करो जब वो आपका आप हावी है उसके। उस वक्त भुट्टो आके रोया, मैडम आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए मैं ये कर रहा हूँ। शिमला में वो अपनी जब बेटी के साथ आया था, ये उसने यहाँ कहा गया कि साहब हम वर्सेल्स माइंडसेट ना पैदा करें पाकिस्तान। याद है कि जब द्वितीय महायुद्ध में जंग हुई थी तो बहुत जर्मनी की नाक लकड़ी गई, उस क्रोध से आक्रोश से उन्होंने द्वितीय महायुद्ध शुरू किया। बोले साहब वर्सेल्स सिंड्रोम नहीं किया गया, उदारता दिखाई गया जब हम जीत गए, और वो लाइन ऑफ कंट्रोल का जो बॉर्डर उस वक्त होना था वो नहीं हुआ। अपने 93,000 कैदी भुट्टो साहब वहां जाके लेकर बिल्कुल साफ उतर। बड़ी कई बार कोशिश की गई है भारतवर्ष से कि हम प्रजातंत्र को सुदृढ़ करें पाकिस्तान में, ताकि जो फौज की प्राथमिकता है वो कम। इन थ्योरी बहुत अच्छा, अ वेरी एडमिरेबल प्रिंसिपल, और साफ दो टूक शब्दों में कहा जाए कि मोदी जी ने आने के बाद पॉलिटिकल रिस्क लेकर यह प्रयास किया कि पाकिस्तान में जो प्रजातांत्रिक प्रणाली है उसको सुदृढ़ किया जाए ताकि फौज मार्जिनलाइज हो जाए। लेकिन इतिहास ये कहता है कि जब भी ऐसा प्रयास किया गया है इट हैज बीन लाइक द किस ऑफ डेथ टू द सिविल एस्टैब्लिशमेंट। जब भुट्टो को हमने उठाने की कोशिश करी, भुट्टो को फौज ने फांसी डाल, भुट्टो को फौज ने फांसी डाल। राहिल शरीफ और नवाज शरीफ के बीच में जो द्वंद हुआ, आज राहिल शरीफ मुस्कुराते विजेता के रूप में उभरे। जो स्थिति दयनीय स्थिति आज नवाज शरीफ साहब की है, वो लेट डब प्राइम मिनिस्टर बन चुके तो ये जो सही तबका है, जैसे कार्टून जी ने कहा जो सही तबका है जो विच कॉल्स द शॉट्स इन पाकिस्तान, 3A पाकिस्तान को चलाते हैं, आर्मी अल्लाह अमेरिका। खुशी की बात यह है, खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान में एक बहुत सिग्निफिकेंट जर्निंग चल रही है। पाकिस्तान ने हमेशा अपने जी
जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फायदा उठाया है, अपनी जमीन गिरवी रखी। उसने अमेरिका को अपनी जमीन गिरवी रखी 1950 की दशक में, वहां से यूट्यूब फ्लाइट गई रूस के लिए, वहां से CIA के ऑपरेशन हुए और पाकिस्तान को फायदा के उसके बदले सैकड़ों पैटर्न टैंक, सैकड़ों F-104 स्टार फाइटर्स और F-7 इत्यादि किए गए और वो बराबरी पे आ गया भारतवर्ष के सैन्य ताकत के रूप में। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी टेरिटरी रेंट आउट करी अमेरिका को अफगानिस्तान की जिहाद की, फिर प्राथमिकता मिली, फिर उनको हथियार मिले, फिर उनके दूसरी तरफ मुंह फेर लिया जबकि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे थे, जबकि हमारे खिलाफ कितना कुछ प्रेशर पड़ा था हम सब दुनिया जानते हैं। अब क्या है कि बहुत देर से, इधर ध्यान से सुनिए, बहुत देर से पाकिस्तान दोगुनी चाल चल रहा है, दोनों को चला रहा, अमेरिका को भी मैक्सिमम $31 अरब अमेरिका के खा लिए और अमेरिका का सबसे बड़ा सरगना ओसामा बिन लादेन, अरे साहब 6 साल तक पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काबुल से 800 गज दूर पारा, और फिर आप कहते हैं साहब हमें तो मालूम ही नहीं था। देखो कोई हद होती है साहब इंसानियत की, शराफत की, इसको बोलते हैं जुज्बा, तुमने सफेद झूठ बोला है और हमारे मुंह पे बोला। ये दूसरा हैरान रह गया है कि साहब ये इज इट पॉसिबल, इन्होंने ओसामा बिन लादेन को मारा, अमेरिका का ऐसा बेवकूफ बनाया। बहुत देर तक जनरल परवेज कयानी वाटा में ऑपरेशन नहीं कर रहा, बड़ा जोर लगाया इन्होंने अमेरिकन्स ने उससे ऑपरेशन कराए, उसने नहीं। राहिल शरीफ ने आते ही जरबे अर्थ करने के लिए मान लिया और उसकी बड़ी वाहवाही हुई अमेरिका, अमेरिका को उस वक्त बड़ी बड़ी जरूरत थी कि वो रनिंग फाइट में इन्वॉल्व ना हो अफगानिस्तान के अंदर। जब वो अफगानिस्तान से विड्रॉ करना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि उनको ऐसे पूरी तरह हाल हो जैसा साइगॉन में हुआ 1975, इसलिए वो चाहते थे कि पाकिस्तान दबाव डाले। राहिल शरीफ ने वो किया, राहिल शरीफ अमेरिका का पोस्टर बॉय बन गया, उसके साथ बुला के जो इज्जत दी गई, जो बख्शी गई, ये वो, और उसको बोला गया उसके बाद कि अफगानिस्तान का करता करता पाकिस्तान, इंडिया हमें बोला गया कि साहब आप तशरीफ का टोकरा बाहर ले जाइए अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो है तालिबान से बातचीत कराए। तालिबान से बातचीत तो खैर अभी तक नहीं हुई, लेकिन जो रिफ्यूजी जा रहे थे अफगानिस्तान में उनके साथ पाकिस्तान ने 20 मुजाहिद पलटने भेज दी। प्लीज 20 मुजाहिद पलटने पाकिस्तान की आज के दिन अफगानिस्तान में है। और एक बार फिर जैसे ही अमेरिकन गए, पाकिस्तानियों ने सोचा कि ये उनका चांस है कि वो तालिबान को फिर काबुल में बिठाए। भारत को लगा कि अगर हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है तो प्लीज एक चीज याद रखिए, मैं साफ कहना चाहता हूं, अफगानिस्तान के पायलट्स पठानकोट में ट्रेन किए जा रहे थे जब हमला हुआ, पाकिस्तान का पठानकोट में हमला करना एक संकेत देना था कि साहब मत समझो तुम्हारे अब तुम अफगानों के साथ कुछ कर सकते हो, और उसके बाद हमारी कॉन्सुलेट में हमला हुआ, क्लियर इंडिकेशन पाकिस्तान हमें दे रहा था कि ये दिस इज माई प्रोटेक्टरेट, ये मेरे बाप की जमानत है अफगानिस्तान। खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान हमेशा ओवररीच करता है, ओवरप्ले करता है, और अब अमेरिका काफी खासा चिढ़ चुका है 2 साल के बाद, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान तालिबान को टॉक्स के लिए नहीं लाए और पाकिस्तान जो है उसको सपोर्ट दे रहा है निरंतर वहां पे हावी होने के लिए। 2016-2017 में अफगानिस्तान की सरकार टिक सकेगी कि नहीं, ये भी एक सवालिया निशान है। अभी तक चीन को भी पाकिस्तान पे शक था कि क्या ये ट्रस्ट करने लायक मुल्क है कि नहीं, हमें कहता है पहाड़ों से ऊंची, समुद्र से गहरा हमारा रिश्ता है, और शिंजियांग मुस्लिम भी ट्रेन करता है शिंजियांग के अंदर गदर फैलाने के। तो हु जिंदाओ जब तक था उसने पाकिस्तान में कमिट नहीं किया आने की वो, लेकिन जैसे ही शी जिनपिंग साहब आए, आते ही उन्होंने $46 अरब की कमिटमेंट पाकिस्तान में जाके करी। वो पाकिस्तान को सबमरीन्स देने वाले हैं, वो पाकिस्तान को फ्रेगेट्स दे रहे हैं, वो पाकिस्तान को JF-17 फाइटर दे रहे हैं, तो काला टैंक वो पहले से ही बना रहे हैं। उन्होंने पूर्ण
से कमिट किया है पाकिस्तान के सपोर्ट। ये जो नया समीकरण बन रहा ये बहुत एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी हमारे लिए। ये जो नया समीकरण बन रहा है जिसमें पाकिस्तान और चीन का गठजोड़ बिल्कुल उभर कर आ रहा है और अमेरिका अब उकता गया है कि जितनी भी उसने कोशिश करी है पाकिस्तान को भीड़ में करने से उतना वो चीनी कैंप में जा रहा। हम लोगों को भी साफ तरीके से हमारे अमेरिकन दोस्तों को कह देना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि हम चीन के बरखिलाफ खड़े हों तो आप पाकिस्तान को 50% दामों में एफ दे सकते। प्लीज आप कहें आप हमारे दोस्त हैं, अगर साहब ऐसे दोस्त हों तो दुश्मनों की जरूरत किसे है। F-16 जहाज न्यूक्लियर कैपेबल जहाज, F-16 जहाज न्यूक्लियर कैपेबल जहाज। खुशी की बात यह है कि आज अमेरिकन सेनेट ने वो जहाज देने से मना कर दिया है। देखिए कुछ पक रहा है उस तरफ, कुछ पक रहा है। अमेरिका के कैंप में जितना पाकिस्तान जाएगा उतना समीकरण साफ होता जाएगा और हमारे लिए एक सुनहरा मौका होगा जिसे अगर हमने गवाया तो सिवाय अपने आप को किसी और को ब्लेम नहीं दे सकते। देखिए पाकिस्तान में फौज पूर्ण रूप से हावी हो चुकी है। बिल्कुल सही कहा काटजू साहब ने, मैं सहमत हूँ। हम लोग जाते थे जब मोदी जी आए और हम डिबेट में जाते थे तो पाकिस्तान के जो फौजी अफसरान सामने आते थे उनमें सहमा सा एटीट्यूड हमने देखा। मैं नाम ले सकता हूँ, गिन सकता हूँ कि एक अफसर एयर मार्शल ने तो बोला कि भाई ये नहीं समझना चाहिए कि आप पैसे, इट इज बिजनेस एज यूजुअल। अब फर्क पड़ गया है। लेकिन जब हमने किसी पिटी अपनी कांग्रेस की ही दी थी, माफी ब्यूरोक्रेसी इज अ कांस्टेंट बैटल, हमने फिर एक बार कोशिश करी कि हम शांति हासिल करें, कि हम वर्चस्व बढ़ाएं जो प्रजातांत्रिक प्रणाली है पाकिस्तान के अंदर हो सके। और ठीक वही जवाब मिला जो कारगिल में हमें मिला जब हमारी बस यात्रा कर गई, हमारी पीठ में फिर छुरा ऊपर गया है। पाकिस्तान की फौज का वर्चस्व बढ़ गया है। नवाज शरीफ साहब आज के दिन लेट डक प्राइम मिनिस्टर में, तो मैं समझता हूँ ये समीकरण एक किस्म से अच्छा है क्योंकि ये क्लैरिटी का, ये क्लैरिटी का, और क्लैरिटी सबसे जरूरी चीज है अगर आपने सैनिक ऑपरेशन प्लान कर। हम इकोनॉमिक्स में जलेबी बना सकते, लड़ाई के मैदान में तीर बनने पड़ते हैं साहब, जलेबी कुछ नहीं करते, किसी के मुंह में जलेबी करते आपको तीर चलाना होगा तो तीर चलाना होगा, वो भी आंख में या गले में और कहीं। देखिए पाकिस्तान तभी शांति आपको मिली है 1971 के बाद के जो 9 साल शांत रहे वही शांति का एक समय हमने देखा। और आज हमारे देश में एक तबका है जो कहता है स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान इज एन इंडिया इंटरेस्ट, और ये मनी शंकर साहब जब थे तो आए दिन गले फाड़ फाड़ के वो यही चिल्लाते थे स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान इज एन इंडिया इंटरेस्ट। अरे साहब स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान इज अ ब्लडी हेडेक, सिर में दर्द है, उसको उसको और ताकतवर देना तो मत क्या है। मैं वैसी भी साफ फौजी भाषा करूंगा, कटु सत्य अच्छा है, मुझे लोग कोसेंगे लेकिन बाद में मेरी कहनी को जरूर याद रखें कि ठीक ही कहा था। ये फौजी हमको बहुत अच्छी आदत सिखाई गई है और मैं समझता हूँ कि समय आ गया कि अब हम बिल्कुल इस साफ फौजी भाषा में पाकिस्तान से बात करें। कुछ हमारे भी जो हद बंदिशें थी, पिछली सरकार जो 10 साल रही, हमारी सशस्त्र सेनाओं का जो हाल करके गई है वो आप हमसे ही पूछें तो ज़्यादा अच्छा रहे। 40 दिन का जो एमिनेशन होना चाहिए वो घटा कर 5 दिन का एमिनेशन पड़ा था तो क्या छठवें दिन आप पत्थर फेंकते, छठवें दिन आप क्या चाहते अपनी सेना से कि वो पत्थर फेंक के दुलेब लेके आए। ये जो हाल किया है, देखिए 45 स्क्वाड्रन हमारी एयरफोर्स में होने चाहिए, 45 स्क्वाड्रन 45। और एयर पावर आजकल जो है डिसाइडिंग फैक्टर है लड़ाई के मैदान, जो लड़ाई की हार जीत का दारोमदार एयर पावर पे। वायु शक्ति आपके पास है, आप
की एयरफोर्स होनी चाहिए, आज घटाकर साहब 32 पे है और वो भी नाम के। अगर आप असलियत की बात करें तो हम लोग घट के जो है वो 28 के ऊपर आ। ये हमारी देर है पिछले 10 सालों में। जब ये सब खरीदा जा रहा था, जब आपको हमारी एयरफोर्स चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि साहब हमें रफाल चाहिए, रफाल नहीं ला सकते तो Su-30 लाइए, Su-35 लाइए, कुछ तो लाइए, क्योंकि यहाँ स्क्वाड्रन हवा के रह गए, MiG-21 आसमान से टपक रहे हैं, MiG-21 MiG-23 फेल आउट हो रहे हैं और आज एक MiG-27 फिर क्रैश हुआ। तो साहब आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? नहीं साहब, उस वक्त प्राथमिकता दी गई VVIP हेलीकॉप्टर। आपकी सेना में फाइटर नहीं, आप VVIP हेलीकॉप्टर खरीद रहे, और वो कौन सा हेलीकॉप्टर साहब? जो अमेरिका के प्रेसिडेंट ओबामा ने बोल दिया साहब ये मेरी ईमेल पहुंच के बाहर, बहुत महंगा है। ये किसने बोला? अमेरिका के राष्ट्रपति ने। और आपको एक नहीं चाहिए, आपको 12 चाहिए। एंड यू वांट इट डे बिफोर यस्टरडे। 30 साल से हमको बोफोर्स की बात तोप नहीं आई, ये कटु सत्य है। 30 साल से हमको बोफोर्स के बाद दूसरी तोप नहीं मिली और बोफोर्स तोप फसला, उसमें तोप में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप बोले कि फौज ने सिलेक्शन में कोई घाटा किया, फर्स्ट क्लास तोप कारगिल में हिला के रख दी, पहाड़ी लड़ाई मीडियम गन के दार मदार पे होती। 30 साल हो गए साहब, 5 साल में VVIP हेलीकॉप्टर आ गई, वो तो बड़ी मुश्किल से ब्रेक लगी है, नहीं तो वो तो आए जा रहे थे साहब। ये प्राथमिकता तो स्वाभाविक है कि जो मोदी जी ने किया है उसके पीछे कुछ वजह आ। मैं इशारा दे रहा हूँ, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, ज्यादा बोलना इशारा काफी है समझने वाले। लेकिन मैं समझता हूँ अब महाभारत में एक बड़ी अच्छी चीज लिखी, युद्ध के लिए मुताबला नहीं हुआ, युद्ध के देवता कहते हैं, युद्ध में मुताबलापन नहीं दिखाया, जो युद्ध के देवता प्रसन्न नहीं होते। जिसने मुताबलापन महाभारत में दिखाया वो सब पढ़े। और महाभारत में भी हमने जाकर, श्री कृष्ण ने जाकर बोला था 5 गांव दे दिए, तो बोला साहब 5 गांव तो छोड़िए मैं सिर स्वाद। बोले साहब एक गांव, बोले एक गांव क्या, सुई के जिसकी सुई की नोक के बराबर जगह नहीं। बोले साहब तब युद्ध होगा। तो ऐसा है कि जहां तक जस्ट वॉर इज कंसर्न, न्याय युद्ध का जहां तक सवाल है, हम सब कोशिशें कर चुके हैं। ये दुनिया के सामने है कि हम सब कोशिशें कर चुके हैं। अब आपको फैसला करना है कि अब क्या आप वो भाषा बोलना चाहते हैं जो पाकिस्तान की फौज समझती है। सारे यहाँ जो जो बहुत ही तजुर्बेकार स्पीकर थे और सब ने कहा है कि पाकिस्तान में चलता है वर्चस्व तो पाकिस्तान की फौज का, आपको पाकिस्तान की फौज से उस भाषा में बात करनी होगी जो भाषा वो फौज समझती है और वो ताकत की भाषा समझती है। अगर आप उनसे बातचीत करने की कोशिश करें, आप कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करें, आप रेड लाइंस या तो लेना करें कि बहुत सही रेड प्रिंसिपल पोजिशन अडॉप्ट की गई थी, बम बंदूक के धमाकों में बातचीत नहीं हो सकती, पीरियड। फिर बातचीत क्यों कर रहे हैं? बहुत ही प्रिंसिपल पोजिशन थी कि ये हुरियत, ये हराम खोर, किसने इनको इलेक्शन दिया, किसने इनको वोट दिया, ये कैसे कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव बने, क्यों ये साहब आज चौधरी पर दिखा, आज इनको अरेस्ट किया जाता है फिर इसको सुबह छोड़ दिया जाता है, क्यों साहब फौजी कॉलोनी बनेगी, क्यों नहीं बनेगी साहब? जो जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के जवान है साहब, वो तो श्रीनगर के रहने वाले हैं, आसपास के रहने वाले, उनको कॉलोनी सारे भारतवर्ष में हो सकती है, वहां कॉलोनी नहीं बन सकती। हमें कहा जा रहा है कि साहब जो कश्मीरी पंडित हैं उनके लिए कॉलोनी नहीं बने। अरे साहब 4 बार हमने कोशिश की है पंडितों को भेजने, मैं आज इतिहास बता रहा हूँ, 1997 कश्मीरी पंडित वापस भेजे गए, 23 मार डाले गए, 1998 24 मार डाले गए, 2003 दो बारी भेजे गए, 22 और 24 और मार डाले। तो अब आप क्या कह रहे हैं साहब? आप उनको प्रोटेक्टेड कॉलोनी में नहीं भेजे? जो कह रहे साहब जिस घर से आए थे वहां भेज दो, अरे साहब वो घर तो जला दिया तुमने, और आज आप बोल रहे हो कि साहब वही भेजो जहां हम
खीर भवानी के लिए गए तो उनपे पत्थर पड़ गए। तो साहब आपको देखिए, आप जरा चीन से बात करिए तिब्बत के बारे में, आप चीन से बात करिए तिब्बत के बारे में, आपको जवाब मिलेगा नो, नहीं, नॉट, यस। और कोई भाषा में सुनना है साहब, और कोई भाषा आप जानकार हो तो बता दीजिए, नहीं, गेट लॉस्ट, क्लाइंब अ गम ट्री। मेरे ख्याल अब यही भाषा का इस्तेमाल करने का समय आ गया। कश्मीर नहीं मिले, गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट, क्लाइंब अ गम ट्री। और दूसरा, अगर किसी पाकिस्तानी फौजी हुक्मरान को या जनरल साहब को ज्यादा खुजली हो रही है तो सीधा सा बोले, काम है गेट इट, अरे तुमने माँ का दूध पिया है तो आगे ले गए। मोदी जी की पर्सनैलिटी काफी आक्रामक है, मैं नहीं समझता कि हमें उसे उसके इम्पैक्ट को वैल्यू करना चाहिए। हमने शांति की कोशिश करके देख ली, अब मेरे ख्याल समय है कि पाकिस्तान हमारा नॉर्दर्न रूट के। अब एक और कहानी है, आखिरी में अपना मैं खत्म करता हूँ इसके साथ। हमारे देश में साहब एक एक कैंडल लाइट ब्रिगेड, हर तीसरे दिन साहब ये मोमबत्तियां लेके कभी इंडिया गेट पे पहुंचे होते हैं, कभी बाघा बॉर्डर पे पहुंचे होते हैं, कभी ये कवाली सुन रहे होते हैं, हमारे कमाल मर गए। देखिए साहब, ये जो तबका है इन्होंने एक कहानी बना रखी है कि साहब पाकिस्तान 30 साल से हमको तंग कर रहा है विद अ वॉर ऑफ 1000 कट्स, मतलब 100,000 छुरियों के वार करेगा ताकि बड़ा हाथी भी झुंड के हिसाब से गिर के मर जाए। और वो कहता है अगर हमने ये रूस के साथ कर दिया तो भारत के साथ क्यों नहीं कर सकते। साथ ऐसा है कि जब भी सेना बात करती है पलटवार, इसका केवल और केवल एक तोड़ है, हॉट परस्यूट, जो कि इंटरनेशनल लॉ आपको अलाउ करता है, रेजिंग कॉस्ट फॉर पाकिस्तान। अब चाहे आप उसे प्रत्यक्ष युद्ध से करें, चाहे आप उसे प्रत्यक्ष युद्ध से करें, डिबेट उसके ऊपर होनी चाहिए, अपनी सोच विचार हम तो ले कर सकते हैं, अब सरकार थोड़ी। अप्रत्यक्ष युद्ध का नुकसान यह है साहब कि जो आप करेंगे आप क्लेम नहीं कर सकते, जो लोगों के मन में आक्रोश, जो भारतीयों के मन में आक्रोश है कि हमारे पिछले 30 साल में 75,000 भारतीय मारे जा चुके हैं टेररिज्म के 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 जो की कसौटी के ऊपर, 10 साल पंजाब 21,000, 20 साल से ज्यादा जम्मू कश्मीर 44,000, 1993 से पूरा भारतवर्ष 17,000, ये आंकड़े हैं साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के, इतने भारतीय मर चुके हैं। तो सवाल बड़ा सीधा है, एक आम भारतीय जान की क्या कीमत है, वो चवन्नी की कीमत नहीं हो सकती। हम जुलू कैटेगरी में ना हो लेकिन भारतीय की जान चवन्नी में नहीं जाएगी, पाकिस्तान के लिए कीमत बढ़ानी पड़ेगी। जब पाकिस्तान से कीमत बढ़ाने की बात की जाती है तो एक तबका आता है साहब हमको डराने वाला, अरे साहब अगर आपने ऐसे पांव रखा सीमा रेखा के पार तो भुक 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 करके यहाँ पे साहब एटम बॉम्ब गिरने लगे। किसके सर पे? कितने महीने चला था कारगिल का युद्ध? 3 महीने। आप प्लीज गिन के बताइए कितने एटम बॉम्ब दिल्ली पे गिरे, कितने एटम बॉम्ब मुंबई पे या कलकत्ता पे गिरे। अरे साहब देखिए, जो पाकिस्तान के फौजी हुक्मरान हैं हम उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, वो जो लोग हैं आलीशान बंगलों में रहते, बड़ी बड़ी कारें जो मर्सिडीज कारें जिसके पास है पाकिस्तान में वो उनके पास है, तो ऐसे लोग न्यूक्लियर युद्ध नहीं करते। और उनको बड़ा साफ है कि अगर न्यूक्लियर युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ तो हमारे ज्यादातर 70% गौरे पंजाब पे गिरेंगे जहां से पाकिस्तान की फौज आती है, इनकी जोन खत्म हो जाएगी। अब समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? इनकी जोन खत्म हो जाएगी, वहां 800 साल तक गेहूं अनाज नहीं उगेगा, ये वो जानते हैं। और अगर हम उनको ये निर्देश दे रहे हैं कि वो फिर भी न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करेंगे तो देखिए जो सारा पंगा अमेरिका के साथ हुआ है वो न्यूक्लियर इशू पे हुआ। आज के दिन पाकिस्तान कोल्ड स्टार्ट के नाम से इतने भयभीत हो गए हैं कि वो साहब अपने एटमी जखीरे को बढ़ा रहे। नवाज शरीफ को बोला गया कि साहब आप वाशिंगटन आ जाइए और एक न्यूक्लियर सिविल डील करिए। न्यूक्लियर सिविल डील का मैं सीधी फौजी भाषा बोलूंगा मतलब कैप रोल बैक।
हमारे साथ भी वो किया गया और आज पाकिस्तान के पास हमसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार है, ये सत्य है। हाँ, हमने कहा कि हमारा न्यूक्लियर अपार्टाइड खत्म होगा, हम वासेदार ग्रुप में जाएंगे, हम जो है आपके न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में जाएंगे, इत्यादि। पाकिस्तान की फौज ने नवाज शरीफ को नहीं जाने दिया वॉशिंगटन, ये भी सत्य है, ताकि कहीं वो दबाव के नीचे आके ना करें। इससे चिढ़ के अब अमेरिका ने पाकिस्तान को थोड़ी सी नकेल कसनी शुरू की, इसका फायदा हम जरूर उठाएं। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।